हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र कलोशिया आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। एंड 10th फाउंडेशन की हमारी तैयारी चल रही है। 10th का हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। एंड हम आज हमारा लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के दो लेक्चर्स में आपने क्या क्या देखा कि वॉट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या बताया था, देर इज़ द चेंज इन स्टेट, देर इज़ द इवोल्यूशन ऑफ गैस, देर इज़ द चेंज इन कलर, एनर्जी चेंजेस, एक्सोथर्मिक या फिर क्या हो सकता है एंडोथर्मिक, एंड फॉर्मेशन ऑफ PPT। दीज वर द 5 केमिकल चेंजेस विच अकर्स व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। एंड उसके बाद मैंने आपको सिखाया था राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का वैलेंसीज बताया था, ग्रुप 1 का वैलेंसी बताया था +1, ग्रुप 2 का वैलेंसी बताया था +2, कैसे कटायन कैसे अनायन एक दूसरे से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे। एंड उसके बाद आपको मैंने इस टाइप का कुछ एग्जांपल बताया था लास्ट क्लास में, ठीक। एंड लास्ट क्लास में जो एग्जांपल बताया था इसमें मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखना सिखाए थे, और फॉर्मूले जब लिखना सिखाए थे तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर मुझे दिख रहा है Na+, है ना, एंड यहाँ पर दिख रहा है K+, फिर मैंने बोला था कि यहाँ पर ले लो Ca2+, एंड इधर ले लो अपन Al3+, ऐसा बताया था, ठीक। यहाँ पे मैंने बोला था आप कार्बोनेट मान लो, है ना, लेट से थोड़ा सा कलर चेंज कर दो क्योंकि आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा। तो इधर मान लो ये मेरा कार्बोनेट है, दैट इज CO3-, सल्फेट मान लो SO4-, OH- मान लो हाइड्रोक्साइड NO3-, नाइट्रेट, क्लियर। तो इनके मैंने आपको फॉर्मूले लिखना सिखाए थे। नाउ वाइल राइटिंग द फॉर्मूला मैंने आपको एक चीज सिखाई थी इसमें कि जब आप राइटिंग द फॉर्मूला लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैटायन के चार्ज को एनायन से मल्टीप्लाई, एनायन के चार्ज को कैटायन से मल्टीप्लाई, दोनों को आपस में इंटरचेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाया था। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाया था आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, याद कीजिए। यहाँ पे बनाया था हमने Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यहाँ पे बनाया था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इधर बनाया था NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये देखिए। सिमिलरली इधर बताया था पोटेशियम के ऊपर चार्ज आ रहा है +1, तो +1 रिएक्ट करेगा अगेन, ये देगा आपको K2CO3, अगेन यहाँ पर देगा आपको K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एंड यहाँ पे आएगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड अगेन यहाँ पे KNO3 दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, क्लियर। नाउ कैल्शियम देखिए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, तो दोनों से मिलकर बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन बताएं यहाँ पे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड CaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये कुछ एक एग्जांपल आपको मैंने पिछली भी क्लास में, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, उसमें बताए थे, आपको ट्रिक्स टेक्निक बताई थी कैसे कटायन कैसे एनायन। नाउ हमने केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख लिया है, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, ये बात हमें समझ में आ गई है। और अगर ये बात हमें समझ में आ गई है तो हम अब आगे बढ़ते हैं, दैट हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज कोई आ रहा है तो उसमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब हमें उसके बारे में पढ़ना है, क्लियर। तो उसके बारे में पढ़ना है तो अपन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आता है इधर, है ना, ये थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर ये रह गया है, कोई बात नहीं, अपन इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, है ना, ये देखिए। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। सो सिंपल से कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ केमिकल इक्वेशन की, अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन का जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है उसको अपन कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहली बात, step 1 बोला है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफाई करें, ये सिंपल से स्टेप्स हैं जिसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ। केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी केमिकल रिएक्शन का। किसी केमिकल इक्वेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन, है ना। नाउ केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जब अपन देखें ध्यान से तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचाने, सबसे पहला काम जो है किसको पहचाने आप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को।
उसके बाद उनके फॉर्मूले लिख रहे हैं, फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन टू रिएक्टेंट, तो दो रिएक्टेंट के बीच में हमेशा किसका साइन आएगा, प्लस साइन। तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं, केमिकल इक्वेशन लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट आएंगे, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट हमेशा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मिलकर आपका बनता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो समझते हैं अपन इसको, एग्जाम्पल फॉर्म में करते हैं, एग्जाम्पल फॉर्म में करेंगे तो काफी ठीक रहेगा, ठीक है। नाउ देखिए, जब इसको अपन एग्जाम्पल फॉर्म में करें तो आप सबसे पहला देखिए क्या दिख रहा है, सबसे पहला आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर कि हाइड्रोजन है ना, पहला इक्वेशन, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल। नाउ बैलेंसिंग क्या है उसको समझते हैं पहले, फिर एक एक करके बताता हूं व्हाट इज बैलेंसिंग, उसको समझते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास ए टू है ना, या अपन एक काम करो ए टू की जगह केवल ए मानो, ए टू की जगह क्या मान लो, ए। मैंने बोला मेरे पास ए है, ए रिएक्ट करके बी के साथ इट गिव्स ए बी, ये देखो ए रिएक्ट्स विद बी टू गिव क्या आ रहा है, ए बी। तो ये जो मैंने लिखे हैं दीज आर रिएक्टेंट, ये जो मैंने लिखे हैं दीज आर प्रोडक्ट, तो एक रिएक्टेंट और एक क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। नाउ सिमिलरली एटम ऑफ ए यहां पे वन है, तो यहां पे भी एटम ऑफ ए वन ही आ रहा है, एटम ऑफ बी यहां पे वन है तो एटम ऑफ बी यहां पे भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है। सबसे पहले बैलेंस करना सीखते हैं, इक्वेशन लिखकर क्या करना, बैलेंस करना। तो सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं तो ए टू दिया प्लस बी टू दिया और दोनों से मिलकर बोला ए बी बना, एक ए टू एक बी टू और दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, ए बी। नाउ यहां पे एक प्रॉब्लम है कि सर यहां पे तो टू दिख रहे हैं, यहां पे आप देखें तो ए मेरे को टू दिख रहे हैं पर यहां पे ए वन ही है, तो यहां पर अगर टू है तो यहां पे भी टू का मल्टीप्लाई करो। अब इधर देखो कितने थे, बी टू, तो बी भी यहां पे टू हो गया क्योंकि टू का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ए में भी और बी में भी, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। समझ रहे हो बात को, क्या बात को समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम है ना ऑन क्या चीज LHS मस्ट बी इक्वल टू, क्या बोलो, नंबर ऑफ एटम ऑन क्या चीज RHS, तो नंबर ऑफ एटम ऑन LHS मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन क्या आना चाहिए, RHS। लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एटम आएंगे उतने ही एटम कहां पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, ए टू प्लस बी टू और दोनों से मिलकर फॉर एग्जाम्पल बना ए बी थ्री, ये देखो ए टू प्लस बी टू दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, ए बी थ्री। ए के दो एटम है ना, बी के दो एटम और यहां क्या बन रहा है, ए बी थ्री। बैलेंसिंग का क्या रूल बताया कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एटम है वो किसके बराबर आना चाहिए, राइट हैंड साइड के। यहां पे टू लिखा था, ए के पास टू दिख रहा है तो यहां पे टू का मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो ए हो गए दो। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ये जो अपन मेथड अप्लाई कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, अप्लाई कर करके देख रहे हैं, लगा लगा कर देख रहे हैं, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो ए के दो एटम थे पर यहां पर भी टू का मल्टीप्लाई करा, पर बी के तो सिक्स हो गए ना, बी के कितने हो गए, टू थ्री जा सिक्स, यहां पर टू पहले से ही है तो यहां पे थ्री का मल्टीप्लाई करो, ये देखो देख लो आप चेक कर लो, ए के दो एटम थे यहां पे भी ए के दो एटम, बी के यहां पे सिक्स तो यहां पे बी के बोलो कौन आ गया, सिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपके एटम आ रहे हैं वो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। यही बेसिक प्रिंसिपल यूज होता है बैलेंसिंग में, किसमें इस्तेमाल होता है ये, बैलेंसिंग में, है ना। चलो समझते हैं अब जरा, तो बैलेंसिंग की बात अगर करें, किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंसिंग, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बोला है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इसको ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन। नाउ हाइड्रोजन को लिखते हैं एच से, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, बोले हाइड्रोजन मतलब एच, क्लोरीन मतलब सीएल और दोनों से मिलकर बोलो क्या बना दिए, एचसीएल। ये अक्सर गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो तरीका है ना, ये जो लिखे हैं आप, ये गलत लिखे हैं, ये रिएक्शन गलत है कि बोले सर हाँ हाइड्रोजन दिख रहा था तो एच लिख दिया, क्लोरीन दिख रहा था तो सी एल लिख दिया और दोनों से मिलाकर क्या बना दिया, एच सी एल। ये नहीं करना है, सबसे पहले आप ये देखें कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एग्जिस्टिंग स्टेट या एग्जिस्टिंग फॉर्म क्या है। हाइड्रोजन एच में एग्जिस्ट नहीं करता है,
पहली बात तो हाइड्रोजन कभी अकेला रह ही नहीं सकता है, हाइड्रोजन को रहने के लिए किसी ना किसी के साथ कंबाइन होना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन जो रहता है वो पाया जाता है आपका H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये देखो नीचे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये उस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट लिखा है। हाइड्रोजन जो आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ क्या आता है, गैस आता है और वो H2 के जैसा एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली आपके पास Cl दिख रहा है, तो Cl दिखना मतलब Cl2 और ये भी बोल कौन गैसियस है, और दोनों से मिलकर आपका बन रहा है HCl और यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये भी बोलो क्या है गैस। हो गया बैलेंस। देखो हाइड्रोजन के दो एटम तो इधर भी हाइड्रोजन के दो एटम, क्लोरीन के दो एटम तो उधर भी क्लोरीन के दो एटम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड के एटम जो दिख रहे हैं वो इक्वल टू बोलो क्या आ रहा है राइट हैंड साइड, और इसको अपन कहते हैं HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस HCl इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोलो समझ में आया? क्लियर है? तो इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कि हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद क्लोरीन गैस। अब सर HCl क्यों बनाया? तो भाई वैलेंसी पढ़ चुके हैं अपन कि हाइड्रोजन जो होता है उसके ऊपर चार्ज आता है +1, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और हेलोजन है इसके ऊपर चार्ज आता है कितना -1, इसका -1 का मल्टीप्लाई इधर, इसके +1 का मल्टीप्लाई इधर विदाउट साइन। तो विदाउट साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या बनेगा HCl। HCl मतलब कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहला एग्जांपल समझ में आया, हाइड्रोजन किससे कंबाइन हो रहा है, क्लोरीन से, जिससे आपको मिल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। बोलो समझ में आया? कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े अपन। ठीक, पहला, सेकंड आगे बढ़ते हैं ना। सेकंड आगे जब बढ़े तो अगला क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को कि बेरियम क्लोराइड कंबाइन विद अल्यूमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले तो ये चेक करें जरा इनके फॉर्मूले। तो बेरियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरियम का चार्ज +2 और क्लोराइड का चार्ज होता है -1, तो दोनों से मिलकर बोलो क्या बनेगा BaCl2। सबसे पहली बात, कंबाइन विद अल्यूमिनियम सल्फेट, अल्यूमिनियम पे चार्ज बोलो +3, सल्फेट पे चार्ज बोलो SO4 2-, पिछला लेक्चर पढ़ाया था जो सेकंड नंबर का लेक्चर, उसमें सारी बातें समझाई है ये मैंने अच्छे से। तो दोनों से मिलकर बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, आप मेरा सेकंड नंबर का लेक्चर देखें, सेकंड नंबर के लेक्चर में यही सिखाया था मैंने। अल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड अल्यूमिनियम क्लोराइड, अगेन बेरियम का चार्ज +2, सल्फेट का फॉर्मूला SO4 2-, दोनों से मिलकर क्या बना BaSO4 एंड अल्यूमिनियम क्लोराइड Al3+Cl-, तो दोनों से मिलकर क्या बनेगा AlCl3। बोलो आया? अरे आया, बस अब इसको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो देखो जरा क्या लिखेंगे, समझो, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 ब्रैकेट में लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर बनाया जाता है ना, Cl2 है ये, ध्यान रखना। अल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ये देखो अल्यूमिनियम सल्फेट कंबाइन होके क्या दे रहा है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बोलो BaSO4 आया, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या आया BaSO4 है ना, एंड उसके बाद आ रहा अल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो सर इक्वेशन लिख दिया, नाउ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, देखते हैं एक एक करके। इधर देखो जरा कितने बेरियम दिख रहे हैं, एक दिख रहा है, और इधर भी एक ही बेरियम, तो सर बेरियम तो बैलेंस्ड है। सर यहाँ पे सल्फेट 3 दिख रहे हैं, सर सल्फेट 3 है यहाँ, SO4 3 दिख रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई है, पर वहां SO4 एक ही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 3 हो गए सल्फेट। अब 3 बेरियम तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 का, ये देख आ गया, तो ये देखो 2, ये देखो, देख लो ध्यान से, इधर देखो 2 अल्यूमिनियम है, ये देख कितने अल्यूमिनियम दिख रहे हैं 2, तो इधर भी कितने अल्यूमिनियम 2, 2 3 6 क्लोरीन, तो यहाँ पे भी 6 क्लोरीन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कॉपी कीजिए इस एग्जांपल को। तो सिंपल से एग्जांपल है ये, इनफैक्ट आपके NCERT के ही एग्जांपल है काफी सारे इसमें। तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अल्यूमिनियम सल्फेट, दिस प्लस साइन शोज रिएक्ट विद, यहां पर रिएक्ट विद है ना, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव, दिस एरो रिप्रेजेंट्स टू गिव
क्या है? बेरियम सल्फेट एंड अल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड अल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, है ना, ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं तो एक एक करके अपन देखते जाते हैं आराम से। चलो आगे बढ़े। देखिए जरा अब क्या दिख रहा है, सोडियम प्लस वाटर, सिंपल सोडियम बोला है, सोडियम इज अ मेटल, सोडियम ठीक है, तो सोडियम प्लस वाटर, ये सोडियम आ गया Na, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं सोडियम, सोडियम इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट प्लस वाटर लिक्विड स्टेट, दोनों से कंबाइन होकर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का वैलेंसी होता है प्लस वन, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी होता है माइनस वन, तो बेटा दोनों से मिलकर आपको क्या मिलेगा, NaOH, बोलो आ रहा समझ में, तो ये देखो दोनों से मिलकर क्या बन गया, NaOH एक्वस एंड कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। चलो बैलेंस करने के लिए चेक करो, एक सोडियम उधर भी, एक सोडियम एक ऑक्सीजन आ रहा है, और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं वहाँ पे, तीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो हैं, टू हाइड्रोजन, और इधर देखो जरा कितना हाइड्रोजन आ रहा है, थ्री हाइड्रोजन आ रहा है, तो इधर मल्टीप्लाई कर टू का, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर टू का, तो बैलेंस हो गया, देख लो दिख रहा ही दिख रहा बैलेंस होता हुआ, एक सोडियम है, चार हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो फोर आ रहे हैं, फोर काउंट कर लो, ये देखो चार हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये देखो, ये समझ में आ रहा है, तो सोडियम कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, थर्ड एग्जांपल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखते हैं तो देखिए जरा, सॉल्यूशन ऑफ, है ना, क्या बोला है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन बोला है, सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर, तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 एक्वस कंबाइंस विद एंड सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बोलो Na2SO4 एक्वस, रिएक्ट कर गए दोनों आपस में, कर गए, टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, अब बेरियम सल्फेट बन रहा है और वो भी इनसॉल्युबल, बेरियम सल्फेट बन रहा है वो भी इनसॉल्युबल, इसको बोलेंगे PPT, प्रेसिपिटेट, PPT कहते हैं क्योंकि इनसॉल्युबल है, पढ़ाया था प्रेसिपिटेट में, एंड सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, तो यहाँ पे सर वैलेंसी चेक कराओ जरा सबकी वैलेंसी देखो जरा, है ना, वैलेंसी देखिएगा जरा, तो बेरियम का वैलेंसी बोलो क्या आता है, प्लस टू आया समझ में, सोडियम का वैलेंसी क्या आएगा, प्लस वन, एक दिख रहा है क्लोराइड, तो क्लोराइड मतलब माइनस वन, और एक आया सल्फेट SO4 टू माइनस, ये देखिए अरे कर पाएंगे, तो BaCl को मिलाओगे अगर, बेरियम और किसको, क्लोरीन को मिलाओगे, तो दोनों से मिलकर क्या बनेगा, ये देखो BaCl2 बनेगा, इधर बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, इधर बनेगा BaSO4 और इधर बनेगा Na2SO4, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया, चलो बैलेंस करने की कोशिश करो बच्चों फटाफट, देखो उधर बेरियम कितने दिख रहे हैं, यहाँ बेरियम कितना आ रहा है, एक आ रहा है, बेरियम कितना आ रहा है, एक आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक बेरियम है, समझ में आया, अब एक बेरियम है तो इधर भी एक बेरियम है, कोई समस्या नहीं, क्लोरीन कितने हैं, दो आ रहे हैं, पर इधर एक ही है तो टू का मल्टीप्लाई कर, ये देख ले हो गया, दो सोडियम बैलेंस हो गया, चेक करो इस इक्वेशन को बैलेंस है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड के एटम चेक करो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर है, कॉपी कर लीजिएगा इसको, कॉपी करना तो वीडियो पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अब आप खुद नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, कंबाइन कीजिए, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिए, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म क्या लिखा है, अमोनिया, तो हाइड्रोजन गैस है ना,
तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया. डबल एरो का मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन. डबल एरो का मतलब कौन सी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन. तो अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या आता है? NH3. ऐसा दिखता है अमोनिया. अमोनिया मतलब NH3. चलो कितने नाइट्रोजन? दो हैं. यहाँ पे बैलेंस कर, ये देख टू लगा के बैलेंस करो नाइट्रोजन. डिफरेंट कलर से बता देता हूँ. ये देखो ये बैलेंसिंग, ये देखो टू लगाया. अब टू थ्री जा सिक्स हो गया ना हाइड्रोजन, तो यहाँ थ्री का मल्टीप्लाई. ये देख लो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के इक्वेशन बैलेंस. अरे आ रहा समझ में? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म क्या लिखा? अमोनिया. ठीक है चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं. ठीक, तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है आपके पास में. ये देखिए क्या दिख रहा है. हाइड्रोजन सल्फाइड, वेरी गुड, सल्फाइड आया है. सल्फाइड जिस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा ना उसके आखिरी में आइड इस्तेमाल करते हैं, आइड. तो जैसे ऑक्सीजन से बनता है ऑक्साइड, ऑक्सीजन से बनता ऑक्साइड, तो सल्फर से बोलो क्या बनेगा? सल्फाइड. सल्फर से क्या बनेगा? सल्फाइड. तो हाइड्रोजन सल्फाइड बोला तो हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस वन है और सल्फर पे चार्ज माइनस टू है, तो दोनों से मिलकर बोलो क्या बनेगा? H2S. H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड. तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता ही है, बर्न्स इन एयर. तो भैया जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, किसी चीज को जलाना है, समझ में आया? बर्न्स इन एयर, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जलेगी. जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. बर्न्स इन एयर टू गिव वॉटर, टू गिव वॉटर, ये देखिए टू गिव वॉटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस. टू गिव वॉटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 क्या दिख रहा है? गैस. आया, बैलेंस करेंगे इसको. सल्फर एक है, ऑक्सीजन गिने दो आ रहे हैं, उधर कितने आ रहे हैं? तो यहाँ पे एक काम करें, यहाँ पे लगाएं टू, ये दो हाइड्रोजन आ रहे हैं और इधर लगा दो अगर आप टू, है ना? तो देखें जरा चेक करें कितने हो रहे हैं, चार. ठीक है, यहाँ पे टू लगाया तो नहीं होगा ये, या गया चार. सल्फर कितने हो गए? दो. चलो चेक करो कितने हो गए ये. ठीक है, यहाँ पे टू लगाएं कितना हो रहा है? फोर. टू टू जा फोर और सिक्स. हाँ ठीक है, नहीं हुआ, इधर लगाओ थ्री. अब चेक करें हो गया. तो देखो ध्यान से क्या करा मैंने, यहाँ पे सिक्स ऑक्सीजन, तो इधर भी देखो जरा कितने ऑक्सीजन, सिक्स. दो सल्फर चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन. तो इस टाइप से इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो. देखो थ्री लगाकर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई करा किसका करा है? थ्री का. इस मेथड को ही अपन कहते हैं कौन सा मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड. क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन. एक क्वेश्चन और देखें. ये देखिए बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद, क्या दिख रहा है? बेरियम क्लोराइड. अब मेरे हिसाब से यार फॉर्मूला आपको लिखना आ गया होगा. तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट विद अल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 होल थ्राइस रिएक्ट विद अल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव अल्यूमिनियम क्लोराइड. तो अल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3 एंड PPT ऑफ बेरियम सल्फेट. तो BaSO4 आ रहा है और ये इसके PPT है. चलिए बैलेंस करके बताइए आप जरा इस क्वेश्चन को फटाफट. तो इस टाइप से आप रिएक्शंस को लिखकर उनका क्या कर सकते हैं? बैलेंसिंग कर सकते हैं. हमारे लेक्चर का थर्ड पार्ट था जिसमें आप इक्वेशन को लिख के बैलेंसिंग करते हैं. अब नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. आज के लेक्चर में इतना ही, जिसमें आपको मैंने केमिकल इक्वेशन को लिखना और उसको क्या करना सिखाया है, बैलेंस करना. एंड ये क्वेश्चन को भी चलो ट्राई कर लेते हैं जाते जाते, है ना? नहीं तो बोलेंगे सर ने बताया नहीं हमें इसका आंसर. देखिए इधर, इधर एक बेरियम है, इधर भी एक बेरियम है, इधर दो क्लोरीन है, इधर तीन है. अच्छा एक बात ध्यान रखना, इधर दो और तीन वाला केस आ रहा है. इस साइड टू क्लोरीन है, उस साइड थ्री क्लोरीन है. तो सिक्स के मल्टीपल में चेंज करें, तो यहाँ पे लगाएं टू, तो यहाँ पे लगाएं थ्री. देखो जरा आया समझ में, यहाँ पे लगाएं थ्री. ये देखो हो गया बैलेंस. ये देख सल्फेट इधर थ्री आ रहा है ना, तीन सल्फेट. ये देखो थ्री सल्फेट है, यहाँ पे भी थ्री सल्फेट है. तो इस टाइप से आप इनको बैलेंस कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा समझाया है. तो आज की क्लास में इतना ही इस सेशन में, जिसमें आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाया है. आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.